प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप। नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चल रही है। बैठक में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी समेत विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें, शिक्षा विभाग के कामों के बारे में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दिए जा रहे निर्देश, शिक्षक नियोजन को लेकर पढ़ाई तक पर भी बात हो रही है। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बैठक में चर्चा। देखिए, शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे लेकर बैठक चल रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में और कितनी अच्छी व्यवस्थाएं कराई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा की जा रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। अपर मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। साथ ही समीक्षा की जा रही है, शिक्षक नियोजन से लेकर पढ़ाई तक पर बात हो रही है। देखिए, शिक्षक नियोजन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं विवाद रहता है और इसे भी सुलझाने की कोशिश की जाएगी इस बैठक में। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन से शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं और आज की बैठक देखिए हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। खासतौर पर सरकारी स्कूलों की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो इस पर भी चर्चा होगी। जानना चाहेंगे आज की बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा क्या है। देखिए, शिक्षा विभाग में जो चीजें चल रही हैं उन्हीं को लेकर बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री जो की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और उनको जानकारियां दी जा रही है। शिक्षा विभाग की तमाम चीजें चल रही हैं क्योंकि छठवां चरण चल रहा था अभी जो शिक्षक नियोजन का, और सातवें चरण की घोषणा हो चुकी है कि सातवां चरण भी शिक्षक नियोजन का होगा। तो उन सब चीजों पर मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है, जो प्रमुख सचिव हैं संजय कुमार और साथ ही जो शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी, वो एक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और उसके बाद साथ ही मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के जो कहे कि प्रधान सचिव है दीपक कुमार और साथ ही जो कहे कि मुख्य सचिव है आमिर सुबहानी, वो सब इस बैठक में मौजूद है। और जाहिर सी बात, जिस तरह की बात आपने कही, चाहे वो शिक्षक नियोजन की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे जो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उन सब चीजों पर आज चर्चा हो रही है। और अभी मुख्यमंत्री की ओर से तमाम तरह के दिशा निर्देश इसको लेकर दिए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि किस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जाए और ये जो शिक्षक नियोजन है उसको कैसे सुगमता से, क्योंकि जितनी बार भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू होती है जो संख्या आती है शिक्षकों की, वो पूरी नहीं हो पाती और लंबी प्रक्रिया चलती है, तो वो कैसे सरल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें चांस मिले, ज्यादा लोग नियुक्तियां हो, तो इसको लेकर भी एक जो बात है वो इस बैठक में हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक शैलेंद्र, अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बैठक हो रही है, शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्देश दे रहे हैं। साफ तौर पर देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, उसे कैसे बदलाव लाना है और खास तौर पर सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है, शिक्षक नियोजन को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। साथ ही आगे आने वाले वक्त के लिए कैसे शिक्षा व्यवस्था बिहार की दुरुस्त किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में।